गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं। छतगण, ध्यान रखेंगे, जीवन में यदि सफलता प्राप्त करनी है तो दूसरों की बातें सुने जरूर, लेकिन दूसरों के द्वारा कहे गए नकारात्मक बातों को दिल से न ले और उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि टांग खींचने वाले लोग बहुत हैं छात्रगण, मानसिक दबाव देने वाले लोग बहुत हैं इस दुनिया में। आप तरक्की क्यों कर रहे हैं, आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं, इससे जलने वाले लोग बहुत हैं, प्रोत्साहित करने वाले लोगों की संख्या कम है, आगे बढ़ाने वाले लोगों की संख्या कम है। आपको दो कदम प्रोत्साहित करते हुए आपका हौसला बढ़ाने वाले ऐसे लोगों की कमी है। इसलिए छात्रगण, नकारात्मकता से दूर रहें, अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक रखें, ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो सकारात्मक हो, जिनकी सोच सकारात्मक हो, जो आपको प्रोत्साहित करते हो, जो आपको आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरणा देते हो। यही जिंदगी का फलसफा है, यही जिंदगी को जीने की कला है, यही सफलता का मापदंड तय करती है। छात्रगण, ध्यान रखेंगे, छात्रगण, विगत कक्षाओं में दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था और अन्य कई पहलुओं को हम लोगों ने जानकारी ली थी। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि नए सिलेबस और नए अध्याय के साथ मैं प्रस्तुत होऊंगा अगली कक्षाओं में। और छतगन, इस बार मैं लेकर के आ रहा हूं भारतीय साम्राज्य का, दिल्ली सल्तनत के पश्चात मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, एक विशाल और विस्तृत अध्याय मुगल साम्राज्य के बारे में। छतगन, मुगल साम्राज्य में आपको एक से बढ़कर एक शासक मिलेंगे, जहां एक और बाबर अपनी सैन्य क्षमता, नेतृत्व कुशलता के लिए जाना जाता है, वहीं हुमायूं एक अभागा सुल्तान है जो कि ज्योतिषी में विश्वास करता है, सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनकर दरबार में आता है, लेकिन कोई भी दिन अच्छा नहीं गुजरता है। छतगन, अकबर द ग्रेट किंग है, धर्मनिरपेक्ष राजा, सर्वधर्म संभाव को अपनाने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला, सभी धर्मों का सम्मान करने वाला, अकबर द ग्रेट कहा जाता है उसे, है ना। छतगन, जहांगीर जो कि नूर जहां के प्रेम में दीवाना है, पागल है, लेकिन नशे की इसको बुरी आदत है, शराब सवाब कवाब में यह डूबा हुआ शासक है। यद्यपि प्रजा के लिए 12 अध्यादेश जारी करना, न्याय की सोने की जंजीर से युक्त न्याय की घंटी अपने राजमहल के बाहर लगाना, न्यायप्रिय होना, इसके व्यक्तित्व के विशिष्ट गुण भी हैं, ध्यान रखेंगे। छतगन, शाहजहां जिसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, जिसने मोहब्बत का प्रतीक चिन्ह ताजमहल का निर्माण अपनी पत्नी मुमताज की याद में आगरा में यमुना नदी के तट पर करवाया था, इनसे भी आपकी मुलाकात होगी। दिल्ली का लाल किला से लेकर के दिल्ली की जामा मस्जिद, मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊस जिसमें कोहिनूर हीरा मौजूद था, जैसे एक से बढ़कर एक इमारतों का निर्माता शाहजहां से आपकी मुलाकात होगी। छतगन, औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान शासक, चरित्र का नंबर एक, शराब गांजा चरस अफीम जैसे नशीले पदार्थों से कोसों दूर, जिंदा पीर या चलता फिरता दरवेश कहा जाता था, टोपी सिलकर गुजारा करता था और प्रजा के लिए अपने लोकतांत्रिक, वर्तमान में लोकतांत्रिक जो हमारी व्यवस्था चल रही है उसके लिए एक आदर्श पुरुष था, राजकोष से एक भी पैसा नहीं लेता था, लेकिन दूसरी ओर कट्टर था, धार्मिक मतांध था, इस्लाम के अलावा उसे और कोई भी धर्म नजर नहीं आता था, लगातार क्रूरता का परिचायक बना, हत्याएं करवाई और इतिहास में नकारात्मक दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब की नीतियां काफी हद तक उत्तरदायी थी। छतगन, तो ये मुख्य शासक हैं मुगल काल में, जो कि आपको 1526 से 1707 तक का पूरा इसका कार्यकाल छतगन मिलेगा, 1526 से 1707। और इन शासकों से आपको परिचित होना है राजनीतिक अवस्था के तहत, ध्यान रखेंगे,
साथ ही साथ कला एवं संस्कृति में छतगण हम लोग मुगलकालीन स्थापत्य कला, मुगलकालीन साहित्य, मुगलकालीन संगीत, ये सब के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। छतगण मुगलकालीन प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, जिला प्रशासन, ग्राम प्रशासन किस तरीके का था, क्या क्या प्रशासनिक जो है मुगल काल में व्यवस्थाएं थी उसको हम लोग जानेंगे। अर्थव्यवस्था के तहत मुगलकालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी, भू राजस्व की दर कैसी थी, है ना, अकबर ने भूमि को किन किन भागों में बांटा, टोडर मल कौन थे, है ना, मुगल काल में व्यापारिक गतिविधियां कैसी थी, है ना, मुगल काल में भू राजस्व कैसे वसूला जाता था, ये सारे चीजों को हम लोग जानेंगे छतगण, ध्यान रखेंगे। तो ये है छतगण मुगल साम्राज्य का एक परिचय आपके सामने मौजूद। अब हम लोग आ रहे हैं सबसे पहले टॉपिक राजनीतिक अवस्था अर्थात प्रमुख शासक की ओर, है ना। हेडिंग बनाएगा छतगण अपने नोट्स कॉपी में, बाबर। बाबर बैकग्राउंड में कर देंगे 1526 से 1530, 1526 से 1530, लाल या हरा कलम से हेडिंग बनेगी छतगण आपकी, बाबर, है ना, 1526 से 1530, 30 लिखेंगे छतगण। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को, 1483 को मध्य एशिया के फरगना, फरगना नामक स्थान में हुआ था। फरगना नामक स्थान में हुआ था। नेक्स्ट, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर लंग नाम सुना है आपने, तैमूर लंग के वंशज थे। नेक्स्ट, बाबर की माता कुतलुग निगार चंगेज खां के वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। नेक्स्ट, 1494 में बाबर का राज्याभिषेक हुआ, 1494 में बाबर का राज्याभिषेक हुआ। नेक्स्ट, 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी जो कि किसी भी तैमूर वंश के शासक ने धारण नहीं की थी, किसी भी तैमूर वंश के शासक ने धारण नहीं की थी।
नेक्स्ट। बाबर के चार पुत्र थे, पुत्र थे हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, हिंदाल। नेक्स्ट। बाबर विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक। नेक्स्ट तीर का निशान छात्रगण, बाबर विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक, शासक कृष्ण देव राय का समकालीन था। कृष्ण देव राय का समकालीन था, था। नेक्स्ट। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों ने आमंत्रित किया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तित्वों ने आमंत्रित किया था। नंबर एक, पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी। दौलत खां लोदी। नंबर दो, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी। नंबर तीन, मेवाड़ के शासक राणा सांगा। नेक्स्ट। बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था, नेक्स्ट। मुगल शब्द मंगोल शब्द से बना है। नेक्स्ट छात्रगण तीर कंशन, मुगल शब्द मंगोल शब्द से बना है, है। नेक्स्ट, मुगल तुर्क में चगताई शाखा, मुगल तुर्क में चगताई शाखा या जनजाति से संबंधित थे। चगताई शाखा या जनजाति से संबंधित थे, थे। नेक्स्ट, बाबर द्वारा भारत में चार प्रमुख युद्ध लड़े गए जिसे
निम्न ट्रिक के द्वारा, निम्न ट्रिक के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। निम्न ट्रिक के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। नंबर एक लिखेंगे छतगन, पानी पियो। खाना खाओ। शानदार एवं जानदार ट्रिक संस्थान दे रही है छतगन। चलो चंदेरी का युद्ध। घर चार युद्ध लड़ने का छतगन, बाबर द्वारा भारत में चार युद्ध लड़े गए थे, उसका शानदार और जानदार ट्रिक संस्थान द्वारा आपको छतगन दिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, है ना, उस ट्रिक को याद रखिएगा, क्योंकि क्रम से सजाने के लिए आता है और वर्ष भी पूछे जाते हैं छतगन। सब में एक वर्ष का अंतराल है, ज्यादा का अंतराल नहीं है। पानी पियो, खाना खाओ, चलो घर। पानी पियो, खाना खाओ, चलो घर। छतगन कहीं भी आप जाते हैं तो सबसे पहले पानी के लिए पूछा जाता है, उसके बाद खाना खाने के लिए आपको पूछा जाता है। किसी भी पार्टी में आप जाते हैं तो, है ना, किसी के यहाँ आतिथ्य में जाते हैं तो खाना खाने के बाद आप बर्दाश्त नहीं करते हैं, ज्यादा देर नहीं रुकना चाहते हैं, है ना, कहाँ जाना चाहते हैं, घर की ओर जाना चाहते हैं, है ना, तो चलो घर। ध्यान रखिएगा छतगन, तो पानी पियो, खाना खाओ, चलो घर। छतगन पानी पियो से पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खाना खाओ खानवा का युद्ध 1527, चलो चंदेरी का युद्ध 1528, घर घाघरा का युद्ध 1529। पानी पियो, खाना खाओ, चलो घर। छतगन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है और आपको यह निश्चित तौर पर प्रतियोगिता परीक्षाओं में काम आएंगे, इसलिए आपको इस पर पैनी निगाह रखनी होगी, ध्यान रखना होगा। छतगन 26 में पानीपत का युद्ध लड़ा, 27 में खानवा का युद्ध लड़ा, 28 में चंदेरी का युद्ध लड़ा, 29 में घाघरा का युद्ध लड़ा और 30 में बाबर की मृत्यु हो गई, है ना। तो 26 में जो है पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चला गया, 29 में जो है घर पहुंचा, 30 में मारा गया, है ना। छतगन ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि 26 में पानी पिया यानी पानीपत का प्रथम युद्ध, 27 में खाना खाया यानी खाना खाया खानवा का युद्ध, है ना, 28 में चला गया अर्थात चंदेरी का युद्ध और 29 में घर गया अर्थात घाघरा का युद्ध, 30 में मारा गया अर्थात 30 में बाबर की मृत्यु हो गई, क्योंकि इसका कार्यकाल मैंने पहले ही बताया है 1526 से 1530। ध्यान रखेंगे छतगन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है छतगन। इतनी दूर तक जो मैंने अभी आपको लिखाया है, इससे क्या सवाल आएंगे और क्या समझना है आपको गौर कीजिएगा। पहला सवाल पूछेगा, बाबर कहां का शासक था? मध्य एशिया के फरगना नामक स्थान का शासक था। बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा, बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा, है ना। ये किस राजवंश से थे? तैमूर लंग के राजवंश थे छतगन, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग खतरनाक बादशाह 1398 याद होगा आपको, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक को जिसने पराजित किया था, 15 दिनों तक दिल्ली में भीषण लूटपाट की थी और कत्लेआम मचाया था। ऐसे खतरनाक योद्धा के वंश से संबंधित था बाबर छतगन, पिता की ओर से तैमूर, माता की ओर से भी खतरनाक आक्रमणकारी चंगेज खां का वंशज था, जिसने इल्तुतमिश के समय में आक्रमण किया था, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां। ध्यान रखेंगे तो छतगन, जिसकी रगों में
तैमूर और चंगेज खां का रक्त दौड़ रहा हो, वह कितना खतरनाक शासक रहा होगा, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं छतगन। एक और तैमूर का रक्त दौड़ रहा था पिता की ओर से, तो माता की ओर से चंगेज खां का रक्त दौड़ रहा था बाबर के रगों में। ध्यान रखेंगे छतगन, पूछेगा बाबर अपने पिता की ओर से किसका वंशज था, तैमूर लंग का वंशज था। माता की ओर से किसका वंशज था, चंगेज खां का वंशज था। ध्यान रखिएगा छतगन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है छतगन। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर भारत के विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कृष्णदेव राय का समकालीन था। छतगन बाबर 1494 में बहुत ही कम उम्र में फरगना का शासक बना। 1507 ईस्वी में छतगन इसने बादशाह की उपाधि धारण की और यह पहला तैमूर लंग का वंश का शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। इसके पहले बादशाह की उपाधि किसी ने भी धारण नहीं की थी। ध्यान रखेंगे छतगन, छतगन बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए तीन व्यक्तित्वों ने आमंत्रित किया था। एक पंजाब के सूबेदार या शासक दौलत खां लोदी, नंबर दो इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा। इन लोगों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। ध्यान रखेंगे छतगन, छतगन बाबर भारत में आया इन लोगों के आमंत्रण पर। ये लोग सोच रहे थे कि बाबर भी एक लुटेरा रहेगा, एक आक्रमणकारी रहेगा, लूटमार करेगा, धन दौलत इकट्ठा करेगा, साम्राज्य हम लोगों को दे करके चला जाएगा दिल्ली सल्तनत को हटा करके और हम यहां पे राज करेंगे। लेकिन नहीं, छतगन बाबर भारत में आया, पानीपत का प्रथम युद्ध उसने जीता, मुगल साम्राज्य की स्थापना की। भारत की आबो हवा, भारत के ऋतु, भारत के मौसम, भारत का क्लाइमेट उसको इतना पसंद आया कि वह कुंडली मारकर यहीं बैठ गया। बोला नहीं, अब तो मैं यहीं रहूंगा, यही देश जो है बहुत ही प्यारा है, यह देश हर तरीके से एक बहुत ही आरामदायक देश है, यहाँ हर मौसम का आनंद है, यहाँ पर सभी तरह के फूल खिलते हैं, यहाँ की बगिया में हर तरह के जो है ऋतुओं का प्रवास होता है। यहाँ के क्लाइमेट को देख करके छतगन बाबर बहुत ही आकर्षित हुआ और उसने यही रहने का निश्चय कर लिया। छतगन बाबर द्वारा भारत में चार युद्ध जो लड़े गए थे उनके क्रम को आपको याद रखना होगा, क्योंकि पूछ देगा बाबर द्वारा लड़े गए निम्न युद्धों को क्रम से सजाएं। ऑप्शन दे देगा खानवा का युद्ध, दूसरा दे देगा पानीपत का प्रथम युद्ध, तीसरा दे देगा घाघरा का युद्ध, चौथा दे देगा चंदेरी का युद्ध। तो छतगन जब तक आप नहीं जानोगे कि क्रम क्या है तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो क्रम क्या है छतगन, सबसे पहले है ट्रिक याद करेंगे, है ना छतगन, पानी पियो, पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा ट्रिक मैंने क्या कह दिया, खाना खाओ, खानवा का युद्ध। तीसरा ट्रिक मैंने क्या दिया, चलो, खाना खाने के बाद आदमी बर्दाश्त नहीं करता किसी भी पार्टी में, बस वो परिवार को इकट्ठा करता, बोलता हो गया खाना पीना आराम से एकदम, ले लिया ना यहां तक, हाँ ले लिए हैं, कोई और स्कोप है नहीं, अब कोई स्कोप नहीं है, अब लेंगे तो उल्टी हो जाएगा, है ना। तो छतगन पार्टी उठी में आदमी खा पी लेता है, जब बढ़िया से पूरा परिवार से पूछ लेता है कि हो गया है ना स्टॉक, हो गया है पूरा, तब बोलता हाँ हो गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, तब फिर बोलता अब चलो, तब फिर वो रुकने के मूड में नहीं रहता है। तो चलो कहाँ, है ना, घर की ओर चलो, ये कहता है। तो छतगन याद रखिएगा, पानी पियो, खाना खाओ, चलो घर, घर की ओर चलना है आपको। तो यही है छतगन, पानी पियो, खाना खाओ, चलो घर, घर यानी घाघरा का युद्ध, है ना। तो 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चला गया, 29 में घर पहुंचा, 30 में मर गया। ये ट्रिक भी आपको छतगन काम में आएंगे, ये दोनों ट्रिक आपको, पानी पियो, खाना खाओ, चलो घर भी याद रखिए, और दूसरा ट्रिक मैंने कहा कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चला गया, 29 में घर पहुंचा, 30 में मारा गया या मर गया, है ना। तो ये ट्रिक से भी आपको छतगन याद रहेगा, बाबर की इतिहास के बारे में, बाबर के बारे में ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना। तो बाबर द्वारा भारत में लड़ा गया पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध, अंतिम युद्ध घाघरा का युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद कौन सा युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध के बाद कौन सा युद्ध हुआ, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध के बाद कौन सा युद्ध हुआ,
खागरा का युद्ध, इन सब चीजों को छात्रगण याद रखें, इन सब चीजों को मनन करें, इन सब चीजों को याद रखें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का, इसलिए छात्रगण आपको पैनी निगाह रखनी होगी, ध्यान रखना होगा, मनन करना होगा, है ना। अब हम लोग डिटेल्स में जानेंगे छात्रगण, हेडिंग बनाएगा अपने नोट्स कॉपी में, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, युद्ध लिखेंगे छात्रगण। 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुए इस युद्ध में बाबर विजयी रहा तथा उसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। कंप्लीट छात्रगण, वेरी गुड। नेक्स्ट तीर्थ निशान, पानीपत हरियाणा राज्य में है। नेक्स्ट, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के विजय के मुख्य कारण निम्न थे। नंबर एक, बाबर का कुशल नेतृत्व। दस देख लिखेंगे छत्रगण, बाबर के पास मात्र 12,000 सैनिक थे तथा इब्राहिम लोदी के पास 1.5 लाख सैनिक थे परंतु उत्कृष्ट नेतृत्व के कारण बाबर विजयी रहा। नंबर 2, बाबर का तोपखाना। देखिए, बाबर पहला विदेशी आक्रमणकारी था। जिसने भारत में पहली बार पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप एवं बारूद का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, इसके दो कुशल तोपची उस्ताद अली एवं मुस्तफा थे जो उस्मानिया पद्धति से
से तोपों को चलाते थे जिससे शत्रु सेना के विशाल से विशाल सैनिक मारे जाते थे नेक्स्ट नंबर 3, बाबर के तुर्की और अरबी नस्ल के उत्कृष्ट घोड़े भी बाबर के विजय में सहायक बने थे नेक्स्ट चाप नंबर 4 एंड लास्ट छतगन, तुलगुमा पद्धति लिखिए। इस पद्धति के तहत बाबर शत्रु को पीछे से, एक रणनीति थी ये, पीछे से चारों ओर से घेरकर एक कुशल रणनीति के तहत पराजित करता था तथा युद्ध में सबसे पहले अपने निम्न सैनिकों एवं घोड़ों को भेजता था निम्न दर्जे के, उसके बाद जरूरत पड़ने पर मध्यम दर्जे के सैनिकों एवं घोड़ों को युद्ध में भेजा जाता था तथा सबसे अंत में सर्वोत्तम दर्जे के सैनिकों और घोड़ों को युद्ध में भेजा जाता था। इसे ही तुलगुमा पद्धति कहा जाता था। नेक्स्ट तीर्थंकर, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के बाद कलंदर की उपाधि धारण की तथा काबुल के प्रत्येक निवासी को चांदी का सिक्का उपहार में दिया था काबुल के प्रत्येक निवासी को चांदी का सिक्का
उपहार में दिया था, दिया था। परंतु कंटिन्यू, पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के बावजूद बाबर अत्यधिक प्रसन्न नहीं था, नहीं था, क्योंकि उसके सामने आन बान और शान के लिए, आन बान और शान के लिए जाने जाने वाले राजपूत योद्धा वीरता से युक्त मेवाड़ के शासक राणा सांगा एक कठिन चुनौती के रूप में मौजूद थे, मौजूद थे। छतगन ध्यान देंगे क्या सवाल आएंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। कहां पर हुआ था? हरियाणा राज्य में हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, लोदी वंश का अंतिम शासक था। छतगन, पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन विजयी रहा? बाबर विजयी रहा, इब्राहिम लोदी की पराजय हो गई। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? कलंदर की उपाधि धारण की थी। छतगन ध्यान रखिएगा, कलंदर की उपाधि धारण की थी, जो कि इसकी उदारता का परिचायक था, है ना। कलंदर की उपाधि इसकी उदारता का परिचायक था। इसने अपने प्रिय शहर काबुल के प्रत्येक व्यक्ति को उपहार में चांदी का सिक्का दिया था। छतगन, बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में विजयी कैसे रहा, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। छतगन, कहा जाता है क्वालिटी मैटर क्वांटिटी डजन मैटर, आप कितनी देर पढ़ते हैं यह कोई मैटर नहीं करता है। छतगन, आपने जितनी देर भी अध्ययन किया उसमें आपने याद कितना किया, आत्मसात कितना किया, दिमाग के अंदर कितने चीजों को हटाया, अपने आप को कितना समझाया, कितनी चीजें आपके दिमाग के अंदर गई, फेविक्विक से चिपकी, यह मैटर करता है छतगन, है ना। आप घंटों बैठ के पाव में हैं दिखावे के लिए, घर वालों को संतुष्ट करने के लिए, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं हट रहा, दिमाग में कुछ और चल रहा है, सामने किताबें हैं। तो नहीं छतगन, ऐसी पढ़ाई बेकार है। लेकिन आप कुछ ही देर पढ़ रहे हैं, 2 घंटे ही पढ़े आपने, है ना, लेकिन उतनी देर में बहुत सी चीजों को याद कर लिया, तो वो मैटर करता है। छतगन, भोजन थोड़ा सा मिले लेकिन स्वादिष्ट हो, तृप्त करने वाला हो तो सुकून देता है, और भोजन बहुत सारा मिले लेकिन उसमें क्वालिटी ना हो, नमक ज्यादा हो, है ना, जैसा तैसा बनाया गया हो, अशुद्धता हो, कंकड़ पत्थर से युक्त हो, तो वह खाना बेस्वाद लगता है। छतगन, चाहे वो कितनी ही भारी मात्रा में आपको क्यों ना दिया जाए। तो यही चीज बाबर के साथ था। छतगन, बाबर एक कुशल नेतृत्व करता था, उसकी सैन्य संचालन शक्ति बहुत ही शानदार थी, वो अपने सैनिकों को हमेशा प्रोत्साहित करता था, चाहे वह युद्ध का मैदान हो, चाहे रास्ते में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं, वो सैनिकों को हमेशा प्रोत्साहित करके उनके अंदर में सकारात्मक ऊर्जा, जोश, जज्बा, जुनून भरता था। ये कुशल और उत्कृष्ट नेतृत्वकर्ता के पहचान थे। छतगन, मात्र 12,000 सैनिकों के द्वारा 1.5 लाख की विशाल सेना को पराजित करना एक मुश्किल ही नहीं नामुमकिन कार्य था, लेकिन बाबर ने इस नामुमकिन कार्य को भी करके दिखा दिया। यह था उसका उत्कृष्ट सैन्य संचालन, यह थी उसकी कुशल नेतृत्वकर्ता की गुण। छतगन, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में अपने शानदार नेतृत्व क्षमता के बदौलत इस युद्ध को विजित कर लिया और इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को धूल धूसरित कर दिया, पराजित कर दिया। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया। छतगन ध्यान देंगे, छतगन, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता के अलावा अन्य कौन कौन से चीजें थी जो उसकी विजय में एक अहम भूमिका निभाते हैं? छतगन, बाबर का उत्कृष्ट तोपखाना, 2 तोपची उस्ताद अली और मुस्तफा और उस्मानिया पद्धति के द्वारा तोपों का संचालन
बाबर की सफलता का बहुत बड़ा योगदान था। पूछेगा, बाबर के दो उत्कृष्ट तोपचियों का क्या नाम था? उस्ताद अली एवं मुस्तफा। ध्यान रखेंगे छात्रगण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर ने छात्रगण भारत में पहली बार तोप का प्रयोग किया था। पूछेगा, वह पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था जिसने भारत में पहली बार तोप और बारूद का प्रयोग किया था? बाबर ने किया था। किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। छात्रगण, उस्ताद अली और मुस्तफा बाएं और दाएं ओर से शानदार उस्मानिया पद्धति के द्वारा तोपों का संचालन करते थे और एक बार तोप चलता था तो शत्रु सेना में हड़कंप मच जाता था, शत्रु सेना के असंख्य सैनिक मारे जाते थे। ये बाबर की उत्कृष्ट जो है विजय का परिणाम था छात्रगण, ये बाबर के सफलता का परिचायक था उसका उत्कृष्ट तोपखाना उस्मानिया पद्धति। पूछेगा, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, पहला विदेशी आक्रमणकारी जिसने भारत में तोप और बारूद का प्रयोग किया कौन था? बाबर था छात्रगण। मोहम्मद गौरी मत लगा दीजिएगा, महमूद गजनवी मत लगा दीजिएगा, तैमूर मत लगाइएगा, चंगेज खान नहीं लगाइएगा, बाबर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, पहला विदेशी आक्रमणकारी जिसने भारत में पहली बार तोप और बारूद का प्रयोग किया था। किस युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। इसे भी छात्रगण आपको ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छात्रगण, बाबर के तुर्की और अरबी नस्ल के घोड़े जो कि बहुत ही विशाल थे, मध्य एशिया के घोड़े, ये भी शत्रु सेना को जबरदस्त रूप से दमन करते हुए युद्ध में चीरते हुए आगे बढ़ जाते थे, ये भी बाबर के सफलता के मुख्य परिचायक थे। और छात्रगण अंतिम है तुलगुमा पद्धति। छात्रगण, तुलगुमा पद्धति क्या थी? एक शानदार रणनीति थी जो बाबर प्रयोग करता था, शत्रु को चारों ओर से घेरना पीछे से, इस तरीके से चक्रव्यूह बनाया जाता था और उसे संभलने का मौका नहीं दिया जाता था। साथ ही साथ तुलगुमा पद्धति के तहत बाबर युद्ध में सबसे पहले अपने सबसे निम्न स्तर के सेना को और घोड़ों को भेजता था, उसके पश्चात मध्यम दर्जे के सैनिकों और घोड़ों को भेजा जाता था जरूरत पड़ने पर, और यदि उससे भी ज्यादा आवश्यकता हो तो सबसे अंत में जो सर्वोत्तम दर्जे के हैं, उच्च दर्जे के हैं, सर्वोच्च दर्जे के हैं, सर्वश्रेष्ठ सैनिक और घोड़े हैं उन्हें युद्ध में भेजा जाता था। यह था उसका शानदार टेक्निक छात्रगण और योजना और रणनीति। छात्रगण, एक शानदार योजना और रणनीति बनाए बिना आप कहीं भी सफल नहीं हो सकते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में भी आपको ऐसी इसी प्रकार की उत्कृष्ट रणनीति बनानी होगी ताकि आप दूसरों से आगे निकल सकें, जिस प्रकार बाबर ने बनाया था छात्रगण। यदि वो प्लानिंग नहीं करता, यदि इस तरह की योजना नहीं बनाता तो क्या वो जीत पाता? नहीं छात्रगण, संसाधनों का होना बहुत जरूरी है। उत्कृष्ट तोपखाना था उसके पास, आपके पास भी नॉलेज रूपी हथियार होने चाहिए, है ना? तुलगुमा पद्धति थी, आपके पास भी स्मार्ट ब्रेन और स्मार्ट रणनीति होनी चाहिए पढ़ाई का, क्वेश्चन बैंक, विगत वर्षों के प्रश्नों को हल करना, शॉर्टकट पद्धति को अपनाना, है ना, टिकी अंदाज में पढ़ाई करना और जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं उन पर विशेष फोकस करना, अन्य चीजों को भी देखना, सिलेबस को पूरा कवर करना, ये सारा रणनीति आपको भी अपनाना होगा छात्रगण, जैसे बाबर ने भी अपनाया था। अपने कमजोर पहलुओं को जानना कि कौन सी चीजें मेरी कमजोरी हैं, उसे भी पहचानना, ये भी जरूरी होता है। छात्रगण, तुलगुमा पद्धति को अपनाया और बाबर विजयी रहा। छात्रगण, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर इतना प्रसन्न हो गया कि उसने कलंदर की उपाधि धारण की और इसकी उदारता का परिचायक था। काबुल के प्रत्येक निवासी को इसने चांदी का सिक्का उपहार में दिया था छात्रगण। छात्रगण, पूछेगा किस युद्ध में विजय के उपरांत बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी? पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के उपरांत बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। बाबर ने किस युद्ध में विजय के उपरांत काबुल के प्रत्येक जनता को चांदी का सिक्का उपहार में दिया था? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने चांदी का सिक्का काबुल की प्रत्येक जनता को उपहार में दिया था। लेकिन पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के बाद, भारत में मुगल वंश की स्थापना करने के बाद, दिल्ली सल्तनत का अंत करने के बाद, लोधी वंश का अंत करने के बाद भी बाबर अंदर से सुकून और शांति अनुभव नहीं कर रहा था, अंदर से वो प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर रहा था, संतुष्टि का अनुभव नहीं कर रहा था, उसे आत्मसंतुष्टि नहीं थी। क्यों? छात्रगण, उसके पीछे कारण था, क्योंकि अभी इसके सामने कठिन चुनौती और प्रतिद्वंदी के रूप में मौजूद था एक ऐसा शासक जो कि खतरनाक था, और वह शासक था मेवाड़ का राणा सांगा। कौन था छात्रगण? मेवाड़ का राणा सांगा था, ध्यान रखिएगा छात्रगण। राजपूत शासक मेवाड़ का राणा सांगा, जो कि अपनी आन बान और शान के लिए जाने जाते थे, राजपूत वीर योद्धा,
अपने कर्म भूमि के लिए, अपने मातृभूमि के लिए जान को न्यौछावर कर देने वाले राजपूत योद्धा होते थे, जो कि अपनी आन बान और शान के लिए जाने जाते थे, और ये थे राणा सांगा। छतगण, मेवाड़ के राणा सांगा राजपूत योद्धा थे, एक महान योद्धा थे, और बाबा जानता था कि जब तक राजपूत शक्ति को वो पराजित नहीं करेगा, जब तक आन मान और शान के लिए, देश के लिए, मातृभूमि के लिए सब कुछ नौछावर कर देने का जज्बा जुनून रखने वाले राजपूतों को वो पराजित नहीं करेगा, तब तक भारत में वह स्थायी शासन स्थापित नहीं कर सकता है, भारत में उसके कदम पीछे की ओर हट जाएंगे। इसीलिए वह चिंतित था, इसीलिए वह छतगण अंदर से सुकून और शांति अनुभव नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके सामने कठिन प्रतिद्वंद्विता थी, उसके सामने कठिन चुनौती थी, उसके सामने एक ऐसा शत्रु खड़ा था जो कि बहुत ही ताकतवर था। छतगण, अगला युद्ध होता है खानवा का युद्ध। हेडिंग बनाइएगा अपने नोट्स कॉपी में, छतगण खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध देखिएगा छतगण, 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट टेंशन, इस युद्ध में बाबर ने अपने सैनिकों को जिहाद का नारा दिया था, नेक्स्ट, बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ काफिरों का वध करने वाला होता है। काफिर कहा जाता है जो कि इस्लाम में विश्वास नहीं करते हैं, जो गैर मुस्लिम है, काफिरों का वध करने वाला होता है, नेक्स्ट, इस युद्ध में अपने सैनिकों को ऊर्जावान भाषण देने के कारण सैनिकों का उत्साह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, और बाबर इस युद्ध में विजयी रहा। छतगण, पानीपत के प्रथम युद्ध से ज्यादा महत्वपूर्ण खानवा का युद्ध है। क्यों? आखिर बाबर खानवा के युद्ध में अपनी समस्त शक्ति ऊर्जा को समाहित करने में सफल रहा। जिहाद का नारा इसने दिया, गाजी की उपाधि धारण की, और आन बान और शान के प्रतीक राजपूत शासक राणा सांगा को पराजित करने में सफल रहा। छतगण, पानीपत से ज्यादा महत्वपूर्ण खानवा का युद्ध इसलिए है क्योंकि खानवा के युद्ध में विजय के उपरांत ही वास्तविक अर्थों में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध तो केवल बहाना था छतगण, लेकिन वास्तविक अर्थों में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी खानवा का युद्ध के पश्चात। दैट्स व्हाई द बैटल ऑफ खानवा इज द मोर इंपॉर्टेंट देन द बैटल ऑफ पानीपत। इसे आपको ध्यान रखेंगे। छतगण, ऐसा क्यों था, क्यों इसे कहा जाता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध से ज्यादा महत्वपूर्ण खानवा का युद्ध है, ये सारी बातों को हम लोग जानेंगे छतगण अगली कक्षाओं में। तब तक के लिए आप सबों को मेरी शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद।